आसू के कांके प्रत्याशी रामजीत गंजू ने मंगलवार को खलारी प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान रामजीत गंजू ने कई जगहों पर लोगों के साथ बैठक भी किया। रामजीत गंजू सबसे पहले राय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के साथ बैठक की और केला छाप पर वोट देने की अपील की और एक बार सेवा करने का मौका करने की मांग की। खलारी क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने लोगों से वादा भी किया। रांची जिला उपाध्यक्ष नागेश्वर महतो ने सभी लोगों को आसू की सदस्यता की शपथ दिलाई। खलारी के उपप्रमुख द्वारा महतो ने भी लोगों से आसू को सहयोग करने की अपील की। इसके बाद वे डकरा केडीएच मोहन नगर सुभाष नगर चूरी मानकी तथा केडी बाजार में भी जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से वोट देने की अपील की। उसके लिए हम चाहेंगे एक बार पार्टी के लिए आप लोग संकल्प लें कि हम अगर इस पार्टी में जुड़े हैं तो हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि पार्टी का सदस्यता के लिए एक संकल्प होता है, हम लोग का उस संकल्प को लेते हैं। ये शपथ लेता हूं कि आसू पार्टी का कर्मठ निष्ठापूर्ण विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और ये प्रण रहता हूं कि आने वाले विधानसभा में रामजीत गंजू को भारी से भारी मतों से वोट दिलाकर विजय बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आसू पार्टी। उसका पर्जा है तो उनको जनता के बीच में आना चाहिए कि जब इतने जिक्र कर रहा है लोग तो हमको राय जाने में क्या दिक्कत है। हम बोले कि अब राय हो के रांची चले जाइए, रोड का तो दिक्कत नहीं, पहले बोलते थे रोड नहीं है, लेकिन नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, कुछ दिन बाद आया तो उनको राय में भी रुकने का टाइम नहीं मिला। मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा वहां गया, फीता काटा, चल दिया। तो आप जनता का प्रतिनिधि बने हैं तो जनता की समस्या को सुने, ये ना कि आप प्रतिनिधि बन गए और यहाँ से भाग जाए। तो हम लोग के बीच एक जुझारू नेता आसू पार्टी ने दिया है, जो कोई बाहर का नहीं है, कोई विदेश का नहीं है। अभी हमारे एक पार्टी का प्रत्याशी बने हैं, उनका विवाद उठ रहा है कि फलाने जगह का है, क्या विश्वास है कि वो काम करेगा। तो आसू पार्टी ने बहुत सोच समझ के हमारे गांव के लड़का, हमारे बीच के लड़का को हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोग कहे नहीं एकजुट होके इस छाप पर, केला छाप पर बटन दबाकर इनको विजय बनाए। इन लोग ये आज नहीं, इनको पिछले 10 साल से हम लोग जब भी बुलाए हैं इसी हाल में ये अपने उपस्थिति हम लोग को बीच दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर भगवान की दुआ से विजय बने तो हम लोग जब भी इनको बुलाएंगे, हम आशा करते हैं कि रामजीत भाई हम लोग को बीच हमेशा आएंगे और सहयोग करेंगे। और इसमें आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में अपने बातों को रख रहा है। मैं तमामों से आग्रह, निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय सुदेश कुमार का महतो के पार्टी आसू पार्टी शायद इससे पहले इस कांके विधानसभा क्षेत्र से इस तरह से लोगों का सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, मैं तमामों से निवेदन और गुजारिश और आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्टी ने इस खलारी प्रखंड या राय या कांके या बुड़मू या नगर को जिस तरह से अपने सम्मान के साथ आप तमामों के दुख सुख के सहयोगी के साथ निभाने के लिए आदरणीय पार्टी ने आपका भाई आपका बेटा को अवसर दिया है, तो मैं तमामों से निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सुदेश महतो नहीं, ये रामजीत गंजू नहीं, राय की एक एक जनता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज इस अमृतकर ग्राउंड पर बैठे हुए है। मेरा तमामों से गुजारिश है, निवेदन है कि आग्रह है, अगर यदि ये सपना हम लोग सोचे हैं, इस मंजिल को हम लोग पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपके बीच में तरह तरह के बातें आएंगे। लेकिन इस तरह तरह के बातों को आने के बावजूद भी अगर जिस तरह से नौजवान गार्जियन अगर यदि हम एक साथ हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, इस राज्य को, इस कांके विधानसभा को नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए तमामों से मेरा गुजारिश होगा, निवेदन होगा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने किसी के उस जगह पर पहुंचाते हैं, उस सीट पर बैठाते हैं,
लेकिन आज आपका मान और सम्मान और आपका संस्कृति और आपका शिक्षा नौजवानों और यहाँ के किसानों के बारे में किसी ने आज तक सोचा नहीं है। मैं तो तमाम यहाँ पर बैठे हुए सभी नौजवानों सभी गार्जियनों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने 5 साल किसी को अवसर दिया और आपके बीच में क्या आपका अवसर मिला, क्या आपका विकास मिला, ये तमाम कोई पूछ सकते हैं। आज नहीं अभी प्रखंड के जिन्हें हम लोग गार्जियन कहते हैं, जिनके नेतृत्व पूरा प्रखंड चलता है, आज नहीं उप प्रमुख साहब ने कहा कि मैंने कहा कि खिलाड़ी की मूलभूत समस्या उसमें से राय पंचायत है, राय की मूलभूत समस्या। जब किसी विधायक को जब किसी सांसद को कहने से लोग मुकर जाते हैं तो आत्मा में कितना तकलीफ होता है, कितना ठोस पहुंचता है। मैं बता देना चाहता हूं जिस जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं, किसी मिट्टी का बेटा मैं भी हूं, अगर यदि हमसे सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं तमामों को अपने दिल से अपने हृदय से कह देना चाहता हूं कि ऐसा अवसर मैं प्राप्त नहीं होने दूंगा कि राय बस्ती में इस तरह का काम है, आपको राय जाना होगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचने दूंगा। मैं राय अगर यदि नहीं पहुंचू तो भी यहाँ के जो इस क्षेत्र के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको काम चाहिए, आपको विकास चाहिए, ये विकास का धारातल आपका राय के क्षेत्र पर दिखेगा, आपका राय के बाजार पर दिखेगा, आपका राय का प्रचार पर दिखेगा, ऐसा मैं सोच के साथ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन, उस समय सबका सपना था, सबका सोच था कि हर नौजवानों के हाथ में काम होगा, हर महिलाओं के हाथ में काम होगा, किसान के खेत में पानी होगा, किसान उन्नत खेती करेगा, हर बेरोजगारों का रोजगार होगा। लेकिन इस आशा उम्मीद के साथ हम लोग अलग राज झारखंड लिए, लेकिन वैसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वही आशा आंदोलन के साथ फिर नए सिरे से आदरणीय सुरेश कुमार महतो ने फिर से 2019 का चुनाव में प्रत्येक विधानसभा से एक नेतृत्व करने का अवसर दिया है और एक फिर से एक नया आंदोलन खड़ा किया है। उसमें हम तमामों को इस आंदोलन के कितने हिस्सेदारी बन सकते हैं, कितने भागीदारी बन सकते हैं, ये तमामों को निर्णय करना है, ये तमामों को डिस्कस करना है। मैं तमाम यहाँ पर जनमानस खड़े हुए तमामों से आग्रह करना चाहता हूँ कि दुनिया एक रंगमंच है, आप छोटे कलाकार हैं, कोई बड़े कलाकार हैं, लेकिन हम तमाम कोई इस धरती का कलाकार है। हमें क्या करना होगा, हमें किसके साथ चलना होगा, कौन मेरा सम्मान की बात करता है, कौन मेरे अधिकार की बात करता है, कौन मेरे विकास की बात करता है, कौन यहाँ की शिक्षा की बात करता है, यहाँ की कौन उन्नत खेती की बात करता है। यदि हम उसके साथ चलेंगे तो साथ जो आज इस राय की धरती पर हम लोग निराश बैठे हुए हैं, यह निराश का वातावरण हम लोगों का बीच ये अवसर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तमामों से सभी यहाँ के जनताओं से, पूरे राज्य की जनताओं से ये 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, हर दुर सुख में आपके साथ आदरणीय सुरेश कुमार महतो की बुकलेट के द्वारा आपके जनमुद्दों का, आपका समस्याओं का समाधान करने के लिए ये एग्रीमेंट 5 साल तमाम वोटर से, तमाम नीचे के कार्यकर्ताओं से, तमाम बंधुओं से कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि राय के किसी अमुक व्यक्ति को अगर किसी प्रकार के थाना प्रभारी से समस्या है, आपको सीओ से समस्या है, आपको वीडियो से समस्या है, सिर्फ एक कार्ड भरने के बाद, इस कार्ड को भरने के बाद केंद्रीय कार्यालय में जमा करने के बाद, एक आपका जिस तरह से लाल कार्ड को महत्व समझते हैं, उसी तरह से आपका कार्ड एक पर्ची मिलेगा। उस पर्ची को लेकर के जा करके आप ऑफिस में जैसे देंगे गार्ड को, गार्ड सीधे बोलेगा न यहाँ नागेश्वर को खोजेगा, न यहाँ राजा खान को खोजेगा, न यहाँ द्वारा जी को खोजेगा, न यहाँ मुखिया जी को खोजेगा, सीधे इस पर्ची को वहाँ पर लेकर के जाएंगे, वहाँ आपको बैठने के लिए बोला जाएगा और वहाँ से आपको समय दिया जाएगा टेलीफोन के माध्यम से कि द्वारा महतो जी सीओ साहब आपको 1 बजे मुलाकात के लिए बुलाए हैं। इस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए अगर किसी ने सोचा है, किसी राज का नेता सोचा है, तो आदरणीय सुरेश कुमार महतो सोचा है, ये पूरे प्रखंड में एक कॉल डिटेल्स बनेगा, कॉल सेंटर बनेगा, कॉल से माध्यम से यहाँ के खलारी प्रखंड के जनताओं का समस्या का समाधान किया जाएगा।